नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं 20 अहम सुर्खियों पर। भाजपा की आंतरिक बैठक में कर्नाटका चुनाव की रणनीति पर चर्चा। 46,000 बुनकरों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, बोबई ने की घोषणा। कम्बाला कर्नाटका में स्थानीय लोगों को उत्साहित करने के लिए शुरू होता है। बीएच सीरीज वाहन पंजीकरण, उच्च न्यायालय ने सरकार को संशोधित नियमों को लागू करने का निर्देश दिया। अंगदान के मामले में कर्नाटका दक्षिण में दूसरे स्थान पर है। एनएसयूआई की मांगों में परिणामों की समय पर घोषणा, छात्रवृत्ति जारी करना, सरकारी कॉलेज की फीस में कमी और अन्य शामिल है। मुर्गा मठ में प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। निजी एजेंसियों को मतदाता जानकारी एकत्र करने से रोका गया, कर्नाटका मुख्यमंत्री निर्वाचन कार्यालय ने दी जानकारी। केडीएम को उम्मीद है कि 2025 तक राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था $300 अरब तक पहुंच जाएगी। टाटा मोटर्स की अनुषंगी ने 921 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए बीएमटीसी के साथ समझौता किया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने केजीएफ 2 गाने के मामले में राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। तटीय क्षेत्र शिमोगा में बिलवा उम्मीदवारों के लिए 14 सीटें आवंटित करें, प्रणवानंद स्वामी जी ने कहा। विश्वनाथ ने हुंसूर उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग किया, पार्टी सांसद का कहना। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में टिकट की दौड़ में शामिल हुए युवा नेता। बीएस येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी विजेंद्र शिकारीपुर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बेंगलुरु ब्रांच का संदिग्ध बेंगलुरु शिफ्ट किया गया। कर्नाटका के बलराम पर फायरिंग के आरोप में एक गिरफ्तार। मालपे में जनता के लिए नया फ्लोटिंग ब्रिज खोला जाएगा। डीके शिवकुमार का दावा, मंगलोर विस्फोट पूर्व नियोजित था। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।